This video is sponsored by V-Card. के चंद्रशेखर राव यानी बीआरएस के सुप्रीमो यानी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सारे वर्गों को लुभाने के लिए या आप कहिए उनके प्रतीकों के लिए अपनी पूरी राजनीति उन्होंने की। आप देखिए संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की इतनी बड़ी मूर्ति हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है जो हैदराबाद में है, और इसको लगवाने का काम टीआरएस के नेता ने किया। आप देखिए कितनी भव्य प्रतिमा है, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर की ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। और मैं आपको चूँकि ऐसी जगहों पर मैं जा रहा हूँ जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है, संडे का दिन भी है, लोग घूमने टहलने निकलते भी हैं, बिल्कुल आम लोग जो तेलंगाना के, आप तेलंगाना से हैं? तेलंगाना के ही हैं? नहीं, आंध्रा। ओ, आप? मैं भी तेलंगाना का है। हाँ, तेलंगाना का है। तो कहाँ के हैं तेलंगाना में? इधर ही है, सिद्दीपेट। सिद्दीपेट। तो मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ, ये जो चुनाव हो रहा है इस बार आम लोगों के दिमाग में क्या है, किसकी सरकार आएगी? अभी सरकार बोलो तो हमारा साथ वो बीआरएस ही आता। और ये कांग्रेस भी तो जोर लगाता है? नहीं, हम ना वो नहीं है, बहुत सपोर्ट है वो। किस वजह से बोलो तो अपना पास वही है ज़्यादा। और ये बीजेपी? मेरे को पूरा नहीं मालूम साहब। आपको क्या लगता है कौन आता, बीआरएस आता, कांग्रेस आता, बीजेपी आता? बीआरएस। क्यों? असल में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने तेलंगाना के लिए जो संघर्ष किया है उससे तेलंगाना वासियों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो, आप कहाँ के रहने वाले? मैं हैदराबाद जिरे में रहने वाला हूँ, गावड़ी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यहिया। यहिया? मोहम्मद यहिया खान के बारे में जान? रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर वन स्टेबलाइजर। अल्हम्दुलिल्लाह से जानते हैं इसके बारे में। अच्छा छोड़ो, जानते हो तो बताओ चुनाव में किसका सरकार बनने वाली है? मेरी नज़र में तो अब देखो आने वाली इंशाल्लाह टीआरएस पार्टी रहेंगी। अब किस वजह से आएंगी? बस आएंगी इंशाल्लाह वो टीआरएस पार्टी। और ये कांग्रेस पार्टी का क्या चल रहा है? कांग्रेस का तो नहीं मालूम, पर टीआरएस पार्टी आएंगी इंशाल्लाह। और वो एमआईएम का क्या होएंगी? एमआईएम के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम कुछ भी, बस टीआरएस आती। वो एसी साहब के बारे में मालूम? मालूम है वो एसी साहब के बारे में। कैसे नेता है? अच्छे अच्छे पार्टी नहीं है ना, क्या खैरताबाद में कैंडिडेट नहीं है ना? यहाँ नहीं है, यहाँ उनका कैंडिडेट नहीं है, उधर तो है, नामपल्ली में है साहब उनका कैंडिडेट। तो पूरे तेलंगाना में किसकी सरकार आने की उम्मीद लग रही है? तेलंगाना में बीएसपी की सरकार आती। किसकी? बीएसपी की, आरएस प्रवीण कुमार, डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार। बीएसपी? हाँ। हाथी जी? बिल्कुल मायावती। हाँ जी, आगे के ना भंजी, भंजी आगे के ना दो सभा करके गए यहाँ पे। हाँ, वो भी तो लड़ रहे, तो बीएसपी की सरकार आ जाएगा? बिल्कुल, सिरपुर से इधर उधर जो भी अभी यहाँ पे सरकार बनेगी ना, बगैर बीएसपी के गठबंधन से सरकार नहीं बन सकती, बगैर हमारे समर्थन लिए सरकार कोई नहीं बना सकता तेलंगाना में बीएसपी से। तो ये बहन जी तो यूपी में ही सीट नहीं मिल रहा उनको? यूपी में है ना सब, ऑलरेडी चार बार सीएम बने हुए हैं, अब होते रहता, हार जीत लगी हुई रहती, सब दिन अपना सिक्का नहीं चलता ना, पब्लिक नहीं समझ रही वोट की वैल्यू क्या है। आएंगे अभी आज, अभी आने वाले 2024 में देखिए लोकसभा में क्या हाल होगा। बीएसपी का अच्छा, बिल्कुल बड़ा काफ़ी प्रदर्शन रहेगा। अच्छा, यहाँ दलित वोटर भी तेलंगाना में हैं, दलित वोटर्स जी, ठीक है। तो अभी देखो ये अंबेडकर साहब का इतना बड़ा स्टैचू बनवाया केसीआर ने, इसका कोई असर? केसीआर साहब पहले तो यहाँ के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को सीएम बनाते बोल के झूठा वादा करके उन्होंने सत्ता में आ गए, एक से दो बार आ गए। अभी पब्लिक अब उनको क्या करना है बोल के समझा देंगे अब वोट के माध्यम से। जैसे कि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार आए जब से, उन्होंने बहुत
काफ़ी तेलंगाना के केसीआर साहब बातें बहुत करते गए लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दलित बंधु बोल के निकाल के आर एस प्रवीण कुमार साहब आने से लोगों में दबाव डाल दे रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बीजेपी को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें मिली, उसके बाद बीजेपी का क्या मामला चल रहा है? अरे साहब वो बीजेपी के जो सीटा आगे बोले तो थोड़े वहाँ पे ओल्ड सिटी में, कैसे बोले तो ओल्ड सिटी में हिंदू मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता, चार जाके 44 हो गए। अब योगी जी भी आके जा रहे ना, कुछ होने वाला नहीं है अभी, अब देखते जाओ आगे क्या होगा। वो पब्लिक सबकी सुन रही, लेकिन पब्लिक अभी अब की बार किसकी सरकार लाना, किसको चुनना, उन्हों खुद देखेंगे। अभी पब्लिक बहुत हो गए साहब, बोले तो अंधे भक्त नहीं है अभी पब्लिक, अभी पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी, अब क्या करना क्या नहीं करना पब्लिक डिपेंड करेंगी। अब कांग्रेस का कैसा रहेगा? अब कांग्रेस का कैसा रहेगा बोले तो साहब, हर पार्टी अपनी अपनी ताकत जोर लगा रही, लेकिन यहाँ पे काम जो जिस तरीके से होना है वो नहीं हो रहा। पब्लिक अब सोच समझ के काम करेंगी। अब हमारी यही लक्ष्य है कि एक बार BSP की सरकार यहाँ पे आना बोल के हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड।